पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव से बिलसंडा राजकीय डिग्री कॉलेज की बीए की छात्रा अपने गांव से कॉलेज गई थी। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद जब छात्रा घर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में ईदगांव नहर के पुलिया पर पवन पुत्र ओम प्रकाश ने अपने एक अज्ञात साथी के साथ छात्रा को पकड़कर जबरन गन्ने के खेत में तमंचे के बल पर छात्रा के साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद धमकी देकर कहा कि अगर इस घटना के बारे में घर वालों को या किसी को भी बताया तो उसके परिवार को जान से मार देंगे। युवक लड़की को छोड़कर वहां से फरार हो गए। छात्रा किसी तरह अपने घर पहुंची और अपनी आपबीती घर वालों से बताई। तब छात्रा के परिजनों ने थाने में न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़ित छात्रा को मेडिकल के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया और कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजने की तैयारी में जुटी है। संडा पढ़न जाती तो मोड़ पाए गए गले टकराई दई, देखो साइकिल और बस पकड़ लो खींच के लिए एक मई को। कौन किसने टक्कर मार दी? पवन। कहाँ के? ईंट गांव। एक में लइए गलत काम कर करो। इसकी तहरीर पुलिस को दी है हमने। हाँ पुलिस को दो। निवासी है जो कि बदहुली गांव की, उन्होंने तहरीर दी है। 376-323 मुकदमा पंजीकृत किया गया। एक ईड गांव के पवन समूह ओम प्रकाश को जिसको गिरफ्तार कर लिया गया। 22 साल उम्र है और कहा जा रहा है कि उन्होंने इस तरह से तहरीर दी है कि स्कूल से आते समय उनके साथ इस तरह की घटना हुई। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? मुलजिम गिरफ्तार किया गया है, बाकी विवेचना प्रचलित है और जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो किया जा रहा है।